मैं सही डायनास्टार के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक स्टार से, एक ऑलराउंडर से। मैं सही डायनास्टार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपी की एक शेरनी के बारे में बात कर रहा हूं। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्ते, मैं नितिशा यादव, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश की एक युवा किसान हूँ। मेरी उम्र अभी 21 साल है और मैं मेसी फर्गुसन डायनास्टार कॉन्टेस्ट की टॉप 15 फाइनलिस्ट में से एक हूँ। मेरे परिवार में मेरी माताजी, मैं, मेरे बड़े भैया और मेरी छोटी बहन है और मैंने अपनी स्कूलिंग अपने स्टेट बोर्ड उत्तर प्रदेश से की है। इसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मैंने अपने कॉलेज में अपने कोर्स में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। साथ ही मैं एक एक्टिव एनसीसी कैडेट भी हूँ। मेरी माताजी किसान है और खेती के द्वारा ही उन्होंने हमारा लालन पालन किया है। मेरे पिताजी का देहांत उस समय हो गया था जब मैं लगभग 3.5 साल की थी। समाज में आमतौर पर ऐसी धारणा है कि पिता के न होने पर बच्चे बिगड़ जाते हैं या वो अपने कैरेक्टर को एक अच्छे रोल में फ्रेम नहीं कर पाते, पर मैं इसका एक एक्सेप्शन हूँ। मेरी माताजी ने बहुत बेहतर तरीके से हमारा लालन पालन किया है। मेरे लिए मेरी माताजी ही मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनकी कुछ क्वालिटीज़, जैसे कि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं छोड़ी और एक बेहतर और बेस्ट तरीके से हम सबकी परवरिश की है, तो मैं चाहती हूँ कि वो क्वालिटीज़ मैं अपने अंदर डेवलप करूँ। कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मैं उनसे लड़ पाऊँ और जीत पाऊँ। मेरे गाँव में अभी भी लोग लड़कियों की एजुकेशन को लेकर उतना अवेयर नहीं है, पर मेरी माताजी ने हम चारों बहन भाइयों को पूरी फ्रीडम दी है। जब मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है और साइंस के कोई स्कूल नहीं था मेरे गांव के आसपास भी, तो उस समय माताजी ने कहा कि जाओगी कैसे, तो सॉल्यूशन ये हुआ कि अगर मैं बाइक सीख लूँ तो मैं आसानी से अपने स्कूल तक जा सकती हूँ। तो मेरी जिद को उन्होंने पूरा प्रोत्साहित किया और मैंने बाइक सीखी और मैं बाइक से अपने स्कूल जाया करती थी। ग्रामीण इलाके से होने के कारण खेलकूद में मुझे स्टार्टिंग से भी बहुत रुचि थी और मैंने इंटर स्कूल को कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी पोजीशंस हासिल की। इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मैंने कबड्डी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और हम इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। इसके साथ ही हिंदी साहित्य में मेरी विशेष रुचि है और मैंने अपनी हिंदी पोएम्स अलग अलग कॉलेज में सुनाई। जहाँ भी कॉम्पिटिशन होते थे तो सारे बच्चे साथ में पढ़ने वाले सब कहते थे कि नितिशा ने पार्टिसिपेट किया है तो फर्स्ट पोजीशन तो गई हमारे हाथों से। मेरी पसंदीदा चीज़ों में जैसे फल फूल के पौधे लगाना, नई नई फसलें उगाना और कुछ ग्राफ्टिंग करना, इन सब में मुझे बड़ा मज़ा आता है। साथ ही मम्मी के साथ बातचीत करना, खेती में उनकी मदद करना या खेती पारंपरिक खेती छोड़कर कोई नई फसलें उगाना, नए तरीके से पेड़ पौधे उगाना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं को लेकर बहुत संकोची सोच के हैं कि ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, या फिर तुमने ये कैसे पहन लिया, ये तो लड़कों के कपड़े हैं, या बाइक राइडिंग तो लड़कों का काम होता है, लड़कियां ये सब नहीं करती, या फिर तुम फिजिक्स लेकर क्या करोगी, साइंस लेकर क्या करोगी, आर्ट्स से पढ़ लो, तुम्हारी तो शादी होनी है। इन सब बातों को लेकर पूरा मन किलस जाता है। मैं फ्यूचर में एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ जो क्वालिटीज़, जो गुण मेरे अंदर हैं, मैं वो समाज को दे सकूँ और साथ ही समाज में एक बदलाव ला सकूं कि एक छोटे से ग्रामीण परिवेश से आई लड़की भी इतने ऊंचे पद पर जा सकती है और समाज में एक बेहतर परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। माताजी को हमेशा से खेती किसानी से बहुत लगाव रहा है, पेड़ पौधों फसलों से उन्हें इतना लगाव है कि उनकी एक इच्छा है कि उनके लिए एक खेत में घर हो, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने बलबूते पर उनके लिए खेत में एक घर बनाऊँ। पार्टिसिपेट करने के बाद फिर मैंने जब अपने आइडियाज सबमिट कर दिए तो मैंने कुछ दिनों तक तो मैं लगातार वेबसाइट को चेक करती रही कि कब रिज़ल्ट आ रहा है। थोड़े दिनों बाद मैं दूसरे कामों में व्यस्त हो गई, भूल गई, पर मुझे एक उम्मीद ज़रूर थी कि नहीं, मेरे आइडिया में दम है, मेरा आइडिया चयनित ज़रूर होगा। फिर एक दिन अचानक मेरे पास मेसी की टीम से कॉल आया और मुझे पता चला कि मैं टॉप 15 में मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया, मम्मी भी काफ़ी खुश हुई, फिर बातचीत हुई, फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली को इसके बारे में बताया। नितिशा जी, प्लीज। नितिशा जी, क्या आपको पता है कि आप इकलौती फीमेल फाइनलिस्ट हो? यू बीन सेलेक्टेड फ्रॉम 20,000 एंट्रीज, एंड इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। नितिशा जी, थैंक यू सर।
आप अकेले आए हों? मेरी मदर साथ आई हैं सर। नमस्ते, आपको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। अच्छा नीतीश सर, आप हाउ डू यू फील लाइक सिंस यू आर द ओनली फीमेल कंटेस्टेंट, हाउ डज दैट मेक यू फील? जी सर, ये बात मैंने फील की है कि आज भी मतलब महिलाएं जो जो पूरे हमारे देश के 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, वो मैंने ये कमी पाई कि इतने सारे कंटेस्टेंट में भी मैं अकेली फीमेल हूँ, तो कहीं ना कहीं अभी महिलाएं बहुत पीछे हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं कि हम उन्हें आगे लाए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि महिलाएं जो 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं वो इतना कुछ कर पाए, उन्हें इतना अवसर मिले। वंडरफुल वंडरफुल, एंड आपके आइडिया के बारे में कुछ बता सकते हो आप? जी सर बिल्कुल। सर मेरा जो आइडिया है इमरजेंसी स्मार्ट मोबाइल व्हीकल का है। जी सर। सर जैसे मैंने अपने खुद के परिवार में भी और आसपास के गांवों में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी हैं, सुनी हैं, जैसे खेतों में रास्ते हमारे इधर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, या बरसात के मौसम में तो पानी भर जाता है तो कोई और वाहन ऐसे में नहीं आ जा सकता। और खेतों में जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम करते वक्त सांप काट लेता है, या फिर हमारे उधर 200 एकड़ जंगल है वहाँ पे काफ़ी सारे खूंखार जंगली जानवर हैं, उनके हमले भी आए दिन होते रहते हैं। तो जैसे घर से खेत की दूरी बहुत ज़्यादा है तो किसान क्या करते हैं कि जैसे सुबह खेत में गए तो फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ऐसी कोई सुविधा है नहीं कि कहीं और विश्राम कर सके, वो मजबूरवश वहीं लेट जाते हैं तो जानवर हमला कर देते हैं, ऐसी सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इट्स ब्यूटीफुल आइडिया मैम, थैंक यू सो मच। एंड जस्ट ए भी देखते हैं। गाँव में आज भी सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, सड़कें आज भी गाँव में ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़ या फिर कच्ची सड़कें हैं, तो ऐसे में बरसाती मौसम में कीचड़ और दलदल के कारण रास्ते जो है बिल्कुल बंद हो जाते हैं, कोई अन्य वाहन वहां नहीं आ जा सकता, तो ऐसे में ट्रैक्टर का ही उपयोग करना पड़ता है, ट्रैक्टर ही आने जाने का एकमात्र साधन है। ऐसे में किसानों के खेत घर से बहुत दूर होते हैं, तो ऐसे में जो लंबी दूरी तय करके किसान जाते हैं तो वापस आने में बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होती है। ऐसे में किसान जहाँ काम करते हैं वहीं बेसुध होकर सो जाते हैं, क्योंकि काम के कारण बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, और फिर सोने से दिक्कत ये होती है कि कई बार सांप के काटने की घटनाएँ हो जाती हैं, या फिर जंगली जानवर आके हमला बोल देते हैं, या कई बार बरसाती मौसम में बिजली का भी खतरा होता है, और कई बार फसलों में स्प्रे वगैरह करने पर भी किसानों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे में कोई प्राथमिक चिकित्सा की उपलब्धता नहीं होती और हॉस्पिटल्स की दूरी बहुत ज़्यादा होती है गाँव से, साथ ही रास्ते भी उबड़ खाबड़ होते हैं, वहाँ कोई वाहन ले जाने में ऐसा समर्थ नहीं है ले जा सके, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है उस समय, तो किसानों के जीवन के लिए ये एक बहुत भारी समस्या है कि अगर छोटा मोटे कोई भी दिक्कतें हो जाती हैं तो उनसे भी उनके जीवन के खतरे पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है। मेरा जो आइडिया है स्मार्ट इमरजेंसी मोबाइल व्हीकल का, यह घटना स्थल पर ही किसानों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएगा, साथ ही विश्राम की व्यवस्था और खाना खाने के लिए एक सुरक्षित स्थान की उपलब्धता होगा, और ट्रैक्टर किसानों के पास आसानी से उपलब्ध होता है, तो यह स्मार्ट इमरजेंसी मोबाइल व्हीकल किसानों को शुरुआती इलाज भी प्रदान करेगा और साथ ही साथ हॉस्पिटल जाने में जो समय लगता है उसको भी कम करेगा। डायनाट्रैक की वे विशेषताएं और खूबियां जो इसे स्मार्ट इमरजेंसी मोबाइल व्हीकल के लिए अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले बेहतर बनाती हैं, जैसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस जो इसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों, ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों पर आसानी से पार करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिस कारण यह ट्रैक्टर कहीं भी दुर्घटना स्थल पर आसानी से और शीघ्रता के साथ पहुंचकर सेवा देने में सक्षम है। डायनाटेक ट्रैक्टर की कम ईंधन खपत और रखरखाव का कम खर्चा, जिससे यह ट्रैक्टर कम ईंधन में ही हॉस्पिटल तक आसानी से जा सकता है, और इसका रखरखाव का खर्चा भी बहुत कम है, जिससे किसानों पर अधिक भार भी नहीं होगा। एक्सटेंडेबल व्हील बेस, मेसी फर्गुसन डायनाट्रैक ट्रैक्टर दुनिया का पहला एक्सटेंडेबल व्हील बेस वाला ट्रैक्टर है, जिस वजह से यह ढलान वाले रास्तों, छोटे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी समान रूप से उपयोगी है। इस वजह से यह ढलान वाले रास्तों या सकरी गलियों और टेढ़े मेढ़े मोड़दार रास्तों पर भी आसानी से पहुँचकर सेवा सुविधा देने में सक्षम है। पावरफुल इंजन,
डायनाट्रैक का दमदार इंजन होने की वजह से यह ट्रॉली आधारित हमारे स्मार्ट इमरजेंसी मोबाइल व्हीकल को आसानी से किसी भी रास्ते पर खींचकर हॉस्पिटल तक ले जा सकता है और जिससे कम समय में रोगी को इलाज दिलाने में यह बेहतर साबित होगा। मैं भी किसान की बेटी हूँ और आए दिन अपने घर परिवार में आसपास ऐसी दुर्घटनाएं देखती रहती हूँ। मेरे परदादा जी को घास काटते वक्त सांप ने काट लिया था, वो उसी अवस्था में घर गए और जहर फैलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही कुछ समय पहले गांव की एक महिला जो खेत में काम कर रही थी, अधिक थकान के कारण वो खेत में ही लेट गई और एक जंगली जानवर सुअर ने उन पर हमला कर दिया। उसी विक्षिप्त अवस्था में वह गाँव में गई और उन्हें कोई प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं हुई, जिस वजह से वो अभी भी स्वास्थ्य के जोखिम झेल रही हैं। आए दिन इस तरह की घटनाओं को देखते हुए मेरा मन बड़ा दुखी होता था और मेरे मन में ये बात आती थी कि मैं भी किसानों के लिए कुछ कर सकूं। डायनास्टार कॉन्टेस्ट की वजह से मुझे यह मौका मिला ताकि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। अब लोगों को ऐसा विश्वास जगेगा कि डायनाट्रैक है तो वो सुरक्षित तरीके से बिना किसी खतरे के अपना कार्य कर सकते हैं और साथ ही समाज में ये पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि मैसी है तो मुमकिन है। इसके साथ ही मुझे भी लोगों की दुआएं मिलेंगी। नितीशा जी बहुत खूब, चलिए देखते हैं जज इसका क्या राय है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने पार्टिसिपेट किया और आप टॉप 15 में आई और देश की बहुत सारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन सब के लिए आप इंस्पिरेशन हो। जी सर, थैंक यू। अब मैं अपने प्रश्न पे आता हूँ। इसके आप बोलते बहुत अच्छा हो क्योंकि आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है तो आपकी पावरफुल लैंग्वेज है, आप अच्छे तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, आर्टिकुलेट कर पाए। जो आइडिया आपने बताया है कि मोबाइल रिस्पॉन्स सिस्टम या एक स्मार्ट डिस्पेंसरी जिसमें कि किसानों को या जो गांव में लोग रहते हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा जो है वो समय पर मिल पाए, ठीक है। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि गांव में आपके और भी बहुत सारे ट्रैक्टर होंगे और उनमें से भी कई ट्रैक्टर ऐसे होंगे जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो फिर डायनाट्रैक क्यों? क्योंकि वो तो कोई भी ट्रैक्टर जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है उसके साथ आप एम्बुलेंस अटैच कर करके और आप ले जा सकते हैं, तो डायनाट्रैक को आपने इसमें कैसे फिट कर दिया? सिर्फ क्योंकि ये कॉन्टेस्ट जो है वो डायनाट्रैक का है इसलिए या कोई और कारण है? सर, डायनाट्रैक में हाई ग्राउंड क्लियरेंस होने के साथ साथ और भी कई सारी खूबियां हैं, तो जो ये स्मार्ट इमरजेंसी मोबाइल व्हीकल का जो आइडिया है तो डायनाट्रैक में वे सारी खूबियाँ एक साथ हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं, जैसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस हुआ या एक्सटेंडेबल व्हील बेस का हुआ, मतलब ढलान वाले रास्ते हो या छोटे मोड़दार रास्ते हो तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसके व्हील बेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही पावरफुल इंजन है जो कैसे भी दलदली बरसाती कैसा भी रास्ता हो उसमें आसानी से हमारे हॉस्पिटल को, मोबाइल हॉस्पिटल को खींच के लेके जा सकता है और हॉस्पिटल सुरक्षित तरीके से पहुँचा सकता है। साथ ही ओएल इमर्ज मल्टी डिस्क ब्रेक है जो एक बेहतर और सुरक्षित तरीके से कहीं भी ढलान वाला रास्ता हो या चढ़ाई वाला रास्ता हो आसानी से कहीं भी लगाए जा सकते हैं, और मरीज है जो एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो उसे आरामदायक और सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस नितीशा जी। थैंक यू सर। ये जो आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको ये इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपने कुछ कोशिश किया कि इसको कैसे किया जाए? मतलब किसी के साथ आपने कोई डिस्कशन किया या ये खुद करने के लिए कुछ कोशिश किया आपने? जी सर, जैसे मैंने अपने परिवार में भी और गांव में भी ये सारी दुर्घटनाएं देखी तो ये विचार मेरे मन में काफ़ी पहले से था कि शायद कोई ऐसी व्यवस्था हो जो ऐसे में किसानों की जो ये मृत्यु हो रही है कोई तो एटलीस्ट कोई तो ऐसा सोल्यूशन हो जिससे कि जान बच जाए उस समय कोई तो हो, तो ये विचार मेरे मन में काफ़ी पहले से था। और जैसे ही मैंने डायना स्टार कॉन्टेस्ट के बारे में देखा तो फिर ये आइडिया मैंने यहाँ अप्लाई किया। तो बात ये थी कि जैसे ये ट्रैक्टर है डायना ट्रैक तो इसमें हम इसके साथ किसी भी ट्रॉली में या कम्पैक्ट साइज़ की कोई भी ट्रॉली भी हो उसमें एक फोल्डेबल सेटअप ऐसा तैयार करें
कि उसमें मतलब प्राथमिक चिकित्सा संबंधित सारे जितने भी साधन है वो सारे उसमें हों, और साथ ही जैसे कार्यस्थलों पर काम करते समय जो थकान होती है तो उसमें रेस्ट भी कर सके, साथ में किसान जब थक जाते हैं तो खाना खाने की एक सुरक्षित स्थान हो। ये जो आपकी जो आइडिया है ये मल्टीपल लेवल पे हम सोच सकते हैं। जी सर। एक तो है कि ऑन द व्हील्स टाइप का जो आपने वो पिक्चर में जो दिख रहा है ऑन द व्हील्स टाइप का भी हो सकता है। अल्टरनेटिवली ये जो आइडिया है ये इसको अगर इफ यू टेक 50% ऑफ दैट आइडिया यू कैन इवन कैरी अ गुड बॉक्स, अ बिग बॉक्स विद ऑल द एसेंशियल्स, नॉर्मली स्नेक बाइट्स वगैरह के लिए जो भी है उसका मेडिसिन वगैरह, या नॉर्मल मरीज को ट्रीट करने के लिए जो नॉर्मल डे टू डे मेडिसिन है वो भी आप कैरी कर सकते हैं, जो नॉर्मल बॉक्स टाइप में भी कैरी कर सकते हैं। देन यू गो फॉरवर्ड यू कैन हैव समथिंग ऑन द व्हील्स ऑल्सो, बिकॉज एक जो आपने अच्छी बात कहा कि डायना ट्रैक में इतने जो फीचर्स हैं जैसे आपने बोला ग्राउंड क्लियरेंस है और एक्सटेंडेबल व्हील बेस है इसके और ताकत भी है, तो इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में डायना ट्रैक बहुत काम आ सकता है, मतलब इस फीचर्स के साथ ये बहुत अच्छा काम आ सकता है। तो पहले आपको यू नो यू कैन इवन थिंक अबाउट हैविंग अ काइंड ऑफ अ वन वे इन बिटवीन टू कैरी अ बॉक्स, अ बिग बॉक्स, स्मॉल बॉक्स टू कैरी सम ऑफ दीज थिंग्स फॉर एसेंशियल थिंग्स विच कुड बी अ वेरी हैंडी थिंग फॉर यू, एंड देन ऑफकोर्स वी कैन गो अबाउट डूइंग दिस। बट टू डू दिस ऑफकोर्स यू मे इफ यू आर कैरिंग मेडिसिन यू मे नीड टू हैव थोड़ा क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटेड बॉक्स टाइप का कुछ होना चाहिए, वो सब उसके बारे में आपने कभी सोचा है कि रेफ्रिजरेटेड बॉक्स होना चाहिए मेडिसिन वगैरह कैरी करने के लिए? जी सर, जैसे काम करके किसान बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो थकावट में ऐसा होता है कि भोजन से ज़्यादा उस समय आराम की ज़रूरत होती है, और किसान बेसुध होकर मजबूरी में कहीं भी सोते हैं तो इसमें रेस्ट के लिए फैन वगैरह ऐसा कुछ, तो उसके लिए जो पावर बैकअप के अतिरिक्त पावर सप्लाई डायना ट्रैक द्वारा दी जा सकती है। वेरी नाइस, एक्सेलेंट, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड क्वाइट इंप्रेस्ड विद योर अप्रोच विद योर प्रेजेंस एंड थैंक यू वेरी मच। या नितीशा जी, आई थिंक यू हैव फैंटास्टिक आई वुड से आइडिया, मीनिंग यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हिच इज रियली ग्रेट। And first of all, congratulations, your presentation was really very good. I think of all, I would say, you have a powerful presentation and you are able to convey things. Idea is, you want to solve a problem, fantastic, that is right. And you have chosen because of all the features in DynaTrack, choose kar diya, or your idea-wise. But iske aage lena padega, how to take it forward. He has given some idea about ambulance and because isme do cheez hai, ek to full fledged solution apni soch raha hai wo theek hai, but immediate kya kar sakte hain isko, like you want to have something like what he told, no, like a dispensary, but even in today's ambulance you can see, no, first aid, you know, saap to kaat diya to immediately kya karne ka. That sir, those side of things, I think that can be the first step towards solving this problem, and then you can, once you have also, you know, you need fund also to be, you know, done to do this type of large scale work. Sir. So aapke kya soch raha hai iske bare mein? Ji sir, jaise agar hamare paas ye smart emergency mobile vehicle hoga to jaise आमतौर पर होता है कि कोई भी काम करते वक्त, घास निकालते वक्त या कोई भी कृषि काम करते वक्त, तो जैसे सांप काट लेता है, ये मेरे उधर ये मतलब इस बार भी बहुत ज़्यादा मृत्यु इस वजह से हुई है कि सांप काट लेता है तो ऐसा माना जाता है, और कि अगर पहले 30 मिनट में किसी भी सांप काटने के बाद यदि पहले 30 मिनट में किसी व्यक्ति को इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो सर उस समय कि सांप ने काट लिया तो क्या होता है कि कोई प्राथमिक चिकित्सा उस समय उपलब्ध नहीं हो पाती, किसान को उसी क्षतविहत हालत में घर तक पहुंचना पड़ता है और उस समय बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है तो जान जोखिम में हो जाती है। और अगर ये हमारे पास ये साधन होगा तो
उस किसान की जान बचाई जा सकती है। और सर ये तो बहुत बड़ी बात होगी, कहते भी हैं कि जान है तो जहान है, वरना सब कुछ मिट्टी के समान है। Oof, bap re bap, what an episode. This competition is getting really tough for our judges now. Stay tuned for our next episode. Until then, goodbye from Team Dynastar.